अब बच्चों आपको क्लास 12th का एक्सरसाइज 5.5 के क्वेश्चन नंबर 11 से आपको सवाल बताएंगे। इसके पहले हमने आपको सवाल बताए थे, क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे, उनको सॉल्व कर लिए होंगे, उनके नोट्स आप लोग बना लिए होंगे, तैयारी उसकी अच्छी कर लिए होंगे। इस प्रकार से हम आपको आज 11 नंबर क्वेश्चन बताएंगे। एक्स कॉस एक्स पावर एक्स है प्लस एक्स साइन एक्स होल पावर 1/x है, इसका हमें क्या करना है, डिफरेंशियल करना है, डेरिवेटिव करना है। तो ये दो टर्म का क्वेश्चन है, इसलिए इसको हम क्या करेंगे, एक को यू और एक को भी मानेंगे। वाई इज टू यू प्लस भी, तो इसका जब डेरिवेटिव करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू क्या होगा, डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स। हाँ मतलब यू इजकल टू होगा हमारा एक्स कॉस एक्स होल पावर एक्स है। जब भी पावर के सवाल होते हैं ना, तो डेरिवेटिव करते समय हमें क्या करना चाहिए, लॉग लेना चाहिए दोनों साइड। तो टेकन बोथ साइड, जब लॉग लेंगे तो लॉग यू इजकल टू लॉग एक्स कॉस एक्स होल पावर में एक्स आएगा, तो लॉग यू इजकल टू एक्स आगे आ जाएगा लॉग एक्स कॉस एक्स हो गया। अब क्या हुआ, ये दो फंक्शन बन गए, इसमें मल्टीप्लाई रूल लगेगा। तो लॉग यू का डेरिवेटिव होगा 1/u डी यू बाई डी एक्स इजकल टू एक्स डी बाई डी एक्स लॉग एक्स कॉस एक्स, लॉग एक्स कॉस एक्स हो गया। फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डी बाई डी एक्स एक्स। ठीक, तो आप क्या करेंगे, इसको इसका हम लोग डेरिवेटिव करेंगे। कैसे करते हैं देखिए, 1/u डी यू बाई डी एक्स इजकल टू एक्स लिखेंगे, लॉग का पहले डिफरेंशियल होगा, लॉग का डिफरेंशियल क्या होगा, 1/x cos x होगा। फिर डेरिवेटिव किसका होगा, x cos x का होगा, हम चैन रूल लगा रहे हैं, डी बाई डी एक्स एक्स cos एक्स, ये हमने क्वेश्चन साइड में लिखा है। ठीक, एक्स कॉस एक्स हो गया प्लस लॉग एक्स कॉस एक्स, और एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, 1। अब देखिए बच्चों, ये एक्स है, इसको कैंसिल कर देते हैं, 1/u डी यू बाई डी एक्स इजकल टू 1/cos x था। अब इसमें क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकेंड फंक्शन मल्टीप्लाई रूल लगाएंगे, एक्स डी बाई डी एक्स कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स डी बाई डी एक्स एक्स प्लस लॉग एक्स कॉस एक्स। तो अब आया हमारा 1/u डी यू बाई डी एक्स इजकल टू, हम 1/cos x को जो सेक एक्स भी लिख सकते हैं। ठीक, एक्स लिखे, कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है, हमने ये लिख दिया प्लस कॉस एक्स, एक्स का डेरिवेटिव 1 उसको लिखेंगे नहीं, प्लस लॉग एक्स कॉस एक्स। अब क्या करेंगे, डी यू बाई डी एक्स इजकल टू, डी यू बाई डी एक्स इजकल टू ये यू इधर आ जाएगा और यहां बन जाएगा सेक एक्स माइनस एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और प्लस लॉग एक्स कॉस एक्स। ठीक, और यहां से हम होल ब्रैकेट बिग ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। अब क्या करेंगे बच्चों, देखिए यो यू की वैल्यू थी हमारे पास एक्स कॉस एक्स होल पावर एक्स, इसको यू के प्लेस में कर रख देंगे, एक्स कॉस एक्स होल पावर एक्स रहेगा, फिर ये सेक एक्स हो जाएगा और माइनस एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस लॉग एक्स कॉस एक्स होगा। अब बच्चों उसको सेकेंड पार्ट को भी डेरिवेटिव करेंगे और दोनों को क्या करेंगे, प्लस करेंगे, भी इजकल टू एक्स साइन एक्स होल पावर में 1/x रहेगा। ठीक, तो देखिए इसको भी लॉग लेंगे, पहले हम
लॉग भी इक्वल टू, लॉग का रूल है कि पावर आगे आ जाएगा, वन बाई एक्स लॉग एक्स साइन एक्स। अब हम इसमें डिवाइड रूल मल्टीप्लाई रूल लगा के क्या करेंगे, डेरिवेटिव करते हैं। तो लॉग भी का क्या होगा, वन बाई भी डी भी बाई डी एक्स इक्वल टू, फर्स्ट फंक्शन ये है, सेकेंड फंक्शन ये है, तो वन बाई एक्स डी बाई डी एक्स लॉग एक्स साइन एक्स प्लस लॉग एक्स साइन एक्स डी बाई डी एक्स वन बाई एक्स। ठीक, आप क्या करेंगे, इसका हम डिफरेंशियल कर देते हैं। तो डिफरेंशियल कैसे डेरिवेटिव होगा, देखो वन बाई भी डी भी बाई डी एक्स इक्वल टू वन बाई एक्स तो हमने लिखा। अब लॉग का डेरिवेटिव जब करेंगे देखो, तो लॉग का क्या होगा, चैन रूल के हिसाब से लॉग एक्स का क्या हो जाएगा, वन बाई एक्स हो गया। अब डी बाई डी एक्स किसका करेंगे, डी बाई डी एक्स हम लोग करेंगे, डी बाई डी एक्स होगा यक्स साइन एक्स का, डी बाई डी एक्स यक्स साइन एक्स का प्लस लॉग एक्स साइन एक्स, और डी बाई डी एक्स किसका होगा, वन बाई एक्स का डिफरेंशियल कितना होता मालूम आपको, माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर होगा। ठीक है ना, तो ये आ गया हमारा। आप क्या करेंगे, देखिए वन बाई भी डी भी बाई डी एक्स इक्वल टू वन बाई एक्स एक्स का इंटू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर साइन एक्स लिख सकते हैं। अब इसमें फर्स्ट फंक्शन लगेगा और सेकेंड फंक्शन, एक्स डी बाई डी एक्स साइन एक्स प्लस साइन एक्स डी बाई डी एक्स एक्स। ठीक, अब प्लस लॉग एक्स साइन एक्स में क्या, एक्स साइन एक्स लिखेंगे और इसका डेरिवेटिव जो माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर आया था इसको लिखेंगे, माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर। अब क्या करेंगे, डी भी बाई डी एक्स लिख के ये भी को हम इधर भेज देते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा वन बाई एक्स स्क्वायर साइन एक्स। अब एक्स साइन एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है बताइए, कॉस एक्स होगा प्लस साइन एक्स, एक्स का डेरिवेटिव वन हुआ और प्लस लॉग एक्स साइन एक्स माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर। ठीक, अब हम क्या करेंगे, वी की वैल्यू रखेंगे। तो बच्चों अब डी वी बाई डी एक्स करके हम जो वी की वैल्यू आई थी ना उसको रखेंगे, एक्स साइन एक्स होल पावर में वन बाई एक्स रहेगा, फिर ये जो डेरिवेटिव हमने किया था एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर साइन एक्स हो जाएगा, और माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर लॉग एक्स साइन एक्स हुआ। ठीक, अब क्या करेंगे, डीवाई बाई डी एक्स में दोनों वैल्यू को कंबाइन कर देंगे, मतलब दोनों वैल्यू की वैल्यू रख देंगे, प्लस कर देंगे। देखिए तो फर्स्ट वाला जो हमें पार्ट सॉल्व किया था एक्स कॉस एक्स होल पावर एक्स था, फिर ब्रैकेट में फिर सेक एक्स माइनस एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस लॉग एक्स कॉस एक्स था, ये फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब जो दूसरे पार्ट का आंसर हमने यहाँ सॉल्व करके रखा उसको भी लिख देंगे प्लस करके बीच में, प्लस एक्स साइन एक्स होल पावर वन बाई एक्स एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर साइन एक्स हुआ। ठीक, और ये माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर लॉग एक्स साइन एक्स दोनों को कंबाइन कर देंगे, इस प्रकार से बच्चों सवाल का आंसर आ गया आपका। हाँ बच्चों, अब हम एक्सरसाइज 5.6 के बताएंगे आपको सवाल। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्स इक्वल टू 280 स्क्वायर में हम और वाई इक्वल टू 8t पावर 4, इसे हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना, तो सबसे इजी क्वेश्चन है। इसको देखिए सॉल्व करने का तरीका, देखिए आप बहुत सरल तरीके से हम आपको समझाएंगे इसमें। देखिए एक्स इक्वल टू 280 स्क्वायर है, ठीक, तो इसको हम टी के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में, टी के। तो डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू 2a तो ये हो गया, और टी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2t। इस प्रकार से क्या आ जाएगा, 480 आ गया। अब वाई इक्वल टू क्या था हमारे पास, 8t पावर 4, इसको भी टी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो डी वाई बाई डी टी इक्वल टू क्या होगा, ए। अब टी पावर 4 का डेरिवेटिव क्या होता पता ना आपको, 4t³ होगा इक्वल टू 4at³ आ गया। अब हमें क्या निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना। हाँ बच्चों, तो देखिए डी एक्स बाई डी टी हमने निकाला 480 और डी वाई बाई डी टी निकाला है 480³। अब इसको हमें डी वाई बाई डी एक्स देखिए कैसे निकाल, बहुत सरल तरीके से आपको बताएंगे। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या फार्मूला, आप ध्यान रखिए, डी वाई बाई डी टी इन टू डी टी बाई डी एक्स।
क्या फार्मूला आपको हमने बताया dy by dx निकालने का, dy by dt into dt by dx बताया। आप देखिए दोनों की वैल्यू रख दीजिए, dy by dt वैल्यू कितनी है बताइए, 480q है, और dt by dx हमारे पास वैल्यू dx by dt की है, तो हमने dt by dx के लिए इसका हम रेसिप्रोकल कर देंगे, मतलब 1 by 480 लिख देते हैं, ठीक है, जो 480 है उसके नीचे 1 कर लेते हैं, इसका टेन चेंज कर देते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो dt by dx इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 by 480 आ जाएगा। देखिए 4a को काट दीजिए, tq से t कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा, t स्क्वायर आएगा, ये dy by dx हुआ। अब अच्छा हम क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, x इक्वल टू cos थीटा माइनस cos 2 थीटा है, और y इक्वल टू sin थीटा माइनस sin 2 थीटा है, इसको हमें थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल करना है, और निकालना क्या है पता, dy by dx निकालना। देखिए हम सॉल्व करते हैं, x इक्वल टू cos थीटा माइनस cos 2 थीटा, अब जब इसका डेरिवेटिव करेंगे हम, तो dx by d थीटा इक्वल टू क्या होगा, cos थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस sin थीटा होगा, माइनस लगाए, अब cos 2 थीटा का डेरिवेटिव माइनस sin 2 थीटा, और 2 थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा, देखो चैन रूल लगा रहे हैं, पहले cos का डिफरेंशियल किया तो माइनस sin 2 थीटा आया, अब 2 थीटा का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा, ठीक। तो इस प्रकार से बच्चों क्या बन के आएगा इसका सलूशन, माइनस sin थीटा, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2 sin 2 थीटा। अब ये dx / d थीटा निकल गया, अब हम क्या करेंगे, y = sin थीटा माइनस साइन 2 थीटा करके इसका भी डेरिवेटिव करते हैं थीटा के रिस्पेक्ट में। अब अच्छा वाई इक्वल टू साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा है, तो इसको करेंगे तो डी वाई बाय डी थीटा इक्वल टू साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस थीटा होता है, माइनस साइन 2 थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा, साइन का हो जाएगा कॉस 2 थीटा, और 2 थीटा का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक। तो ये आएगा cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा। अब हमें निकालना है dy by dx, तो dy by dx निकालने का तरीका क्या था, dy by dx इक्वल टू dy by d थीटा इनटू d थीटा by dx लिखेंगे, और इसमें क्या करते हैं, वैल्यू रखते हैं, तो dy by d थीटा की जो वैल्यू आया है उसको पहले लिखेंगे हम लोग, dy by d थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, cos थीटा cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा है, 2 cos 2 थीटा, और अपान करके d थीटा by dx है, तो हमने यहां पर ऊपर में लिखा dx by d थीटा, ये तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, तो 1 by ये आ जाएगा क्या, माइनस sin थीटा प्लस 2 sin 2 थीटा हो जाएगा, ठीक। तो इस प्रकार से बच्चों ये आपका आंसर हो गया। हाँ बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, x इक्वल टू a ब्रैकेट में थीटा माइनस sin थीटा है, और y a ब्रैकेट में 1 प्लस cos थीटा है, इसको हमें dy / dx निकालना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे सरल तरीके से इसके हम डिफरेंशियल करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में करेंगे मतलब थीटा के रिस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव करेंगे। तो देखिए dx / d थीटा लिखेंगे, जो नीचे रहता है ना, जैसे dx / d थीटा लिखा है ना, तो थीटा क्या होगा, थीटा के रिस्पेक्ट में हो रहा है डिफरेंस, इसलिए थीटा का डिफरेंशियल होगा, बाकी टर्म के डिफरेंशियल जीरो होंगे, बट यहाँ a का जीरो नहीं होगा क्योंकि ये a इनटू में है, सिंगल a होता ना तो उसका डिफरेंशियल जीरो होता है, बट ये मल्टीप्लाई में है इसलिए इसका जीरो नहीं होगा। थीटा का डेरिवेटिव an होगा, और sin थीटा का डिफरेंशियल क्या होता है, cos थीटा। बच्चों मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको डिफरेंशियल और इंटीग्रल के फार्मूलों की वीडियो अपलोड कर दिया है, उसे आप जरूर देख लीजिए, और उसका जो उसके नोट्स बना लीजिए और उसको याद कर लीजिए, क्योंकि डिफरेंशियल इंटीग्रल बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है चैप्टर, इसलिए उसके फार्मूला की बहुत जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने उसके फार्मूला के वीडियो अपलोड कर दिए हैं, उसे आप लोग जरूर देखिए, ठीक। अब dx / d थीटा बताया, a 1 माइनस cos थीटा हो गया, अब y इक्वल टू क्या होगा, a 1 प्लस cos थीटा है, तो जब हम बच्चे इसका डिफरेंशियल करेंगे dy / d थीटा, तो a 1 का डेरिवेटिव 0 होगा, cos थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस sin, बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, cos का डिफरेंशियल हमेशा माइनस sin थीटा होता है, और इंटीग्रल cos का क्या होता है, sin थीटा होता है, ध्यान रहे ना, साइनों का मिस्टेक है, इसे बहुत अच्छे से करिएगा ताकि आप एक भी डाउट में आपको ना रहे। अब ये a का जब माइनस sin थीटा से इंटू हो जाएगा तो माइनस a sin थीटा आएगा, ठीक, ये क्लियर हुआ। अब हमें dy / dx निकालना है, तो देखिए dy / dx निकालने का सरल तरीका बताएंगे आपको, dy / dx इक्वल टू क्या होगा, dy / d थीटा इनटू d थीटा / dx,
तो डी वाई बाई डी थीटा हमारे पास क्या था बताइए, माइनस ए साइन थीटा है, क्या है माइनस ए साइन थीटा। और डी थीटा बाई डी एक्स क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ए वन माइनस कॉस थीटा, है ना। डी एक्स बाई डी थीटा मतलब डी थीटा बाई डी थीटा, इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, ऊपर को नीचे, नीचे को ऊपर कर देते हैं, ठीक। ये भी क्लियर कर दिया आपको हमने। आप ध्यान दीजिए, फार्मूला ही मैथ ही बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है। फार्मूला के बाद ट्रिक मालूम होनी चाहिए, मेथड मालूम होना चाहिए, और फार्मूला आपको सबसे अच्छे से लर्न होना चाहिए। इसलिए बच्चों आप उस फार्मूला को जरूर याद किए, जिसने जिस वीडियो को मैंने पिछले में अपलोड कर दिया है, ठीक है ना। तो अब ये वन वन कैंसिल हो जाएगा। अब साइन थीटा का फार्मूला बताइए, अब हमें मेथड मालूम था, देखिए अब साइन थीटा का फार्मूला क्या होगा, साइन ए का फार्मूला क्या होगा बताइए, अब हमें पता नहीं है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप सबसे पहले फार्मूला को लर्न करिए, धीरे धीरे याद करते करते आपको सारे फार्मूला याद हो जाएंगे। साइन ए का फार्मूला देखिए क्या होगा, टू साइन ए बाई टू इंटू कॉस ए बाई टू, बट मेरे पास थीटा है तो क्या फार्मूला बन जाएगा, टू साइन थीटा बाई टू एंड कॉस थीटा बाई टू हो गया, ठीक। अब वन माइनस कॉस ए का फार्मूला बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है वन माइनस कॉस ए का, वन माइनस कॉस ए और वन प्लस कॉस ए क्लास ट्वेल्थ में बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट फार्मूला है, इसको आप अच्छे से लर्न कर लीजिए। वन माइनस कॉस ए का फार्मूला होगा टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू हो जाएगा, ठीक। वन माइनस कॉस ए का थीटा का फार्मूला टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, और कैंसिल कर दीजिए, साइन से एक साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा माइनस कॉस थीटा बाई टू और अपान में साइन थीटा बाई टू एक नीचे का बचेगा, तो इस प्रकार से बच्चों माइनस क्वाड थीटा बाई टू आ गया आपका आंसर, ठीक।